किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। सर जी, मुझे आप बताएं कि यहाँ पर मैं आपका पॉपुलर मॉडल देख पा रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको हमारे किसान कैसे अपना सकते हैं? ब्रदर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये एक बहुत बढ़िया मॉडल है जी। मैं कह दूँ कि इंडिया भर में ये मॉडल नहीं है। देखो, हम जो पॉपुलर लगाते हैं 80 पौधे एकड़ में लगाते हैं। ईस्ट वेस्ट जो पौधा है वो 28 फीट पर लगाया जाता है और नॉर्थ साउथ 20 फीट पर लगाया जाता है। टोटल 80 पौधे 80 पौधे एकड़ में हम लगाते हैं। यदि ये पौधा 3 साल का हो जाएगा तो हम 80 पौधे इसका सेंटर निकाल कर और लगा देंगे। यदि ये 80 पौधे और लगा दिए तो नेक्स्ट फरवरी में, क्योंकि ये जो पौधा है इसको फरवरी में लगाया जाता है, जनवरी लास्ट वीक फरवरी में लगाया जाता है, तो वो उसको जो पहला पौधा है वो उसमें 3 साल का है। जो नया पौधा लगाया यदि नेक्स्ट फरवरी में वो 1 साल का हो जाता है तो जो पहले पौधा लगाया उसकी एज 4 साल होगी और उसकी कटाई हम कर देते हैं। अच्छा। और खुशी की बात यह है कि जितने पौधे की कटाई की उतने पौधे खेत में खड़े हैं जिनकी उम्र 1 साल की होगी, क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी हमारे खेत हैं उसमें जो पौधे खड़े हैं उसमें हमने 2 क्रॉप्स ले ली है। तीसरी, क्योंकि किसान की जेब में पैसा आएगा और फर्टिलाइजर भी बनेगा, हमारे पंछी मित्र कीट भी खुश रहेंगे कि उनका भी जो लैंड है आपकी। मैं किसान को ये बता दूंगा कि ये जो लैंड है आपके नाम पर है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पर आपने कभी ये सोचा है कि जितने कीट हैं, जितने पंछी हैं उनका भी शेयर है और जितने लोग खाने वाले हैं उनका भी शेयर है। बेशक हम उनको सेल कर रहे हैं, लेकिन जो कुदरत ने सिस्टम बनाया है ये हमारे लिए नहीं है। ये अकेली धरती पिंगलवाड़े के नहीं है। जितने कीट पतंगे, जितने पंछी जानवर चला रहे हैं इनका भी शेयर है। इनका शेयर माइनस हम नहीं कर सकते, जो सोचने वाली बात है। और ये पॉपुलर का मॉडल इतना अच्छा है, AN53 और AN48 48, ये 2 वैरायटी जो है वो लगाते हैं समय समय पर हम। तो ये किसान वीरों को बेनती है कि जिन्होंने ये मॉडल नहीं देखा, हमारी कुदरती खेती में हमने नक्शा बना रखा है और इसमें कितनी क्रॉप्स लेनी है। दूसरी बात है कि इस साल फरवरी में ये जो SL हमने पॉपुलर लगाए थे, इनकी दोनों साइडों में 2.5 फीट की दूरी पर हम गन्ना लगा देंगे और उसमें गन्ना भी होगा और दूसरी क्रॉप्स भी होगी। और ये बहुत प्रॉफिट वाली बात है, 1 एकड़ में से 2.5 एकड़ की फसल आप कैसे ले सकते हो, हमारा मॉडल ये है। और मैं ये बड़े मान से कहता हूँ, छाती ठोक कर कहता हूँ कि ये मॉडल अपनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी प्रमोट इस मॉडल को किसानों में करना चाहिए और डिपार्टमेंट को करना चाहिए और जो किसान देख कर जाते हैं उनको भी अपनाना चाहिए। जहाँ ये खेती बड़ी आसानी से हो जाती है और इसकी डिमांड भी है, इससे प्लाई भी बनती है, माचिस की तीली बनती है, बहुत कुछ बनता है, इसकी हमें ज़रूरत है। दूसरी बात है किसान की जेब में पैसा आएगा। तीसरी बात यह है कि हमारी कायनात में टोटल जितने कीट हैं वो भी खुशी से इसके ऊपर आते जाते हैं, पंछी भी आते जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है किसान वीरों आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।